मैंने इसको बोला भी मत बनाना वीडियो, इसमें ये क्या है पता नहीं। अरे तो क्या हुआ, सेफ्टी है वो, यू नो पत्नी का दुपट्टा आशीर्वाद होता है भगवान कुछ भी बोलते रहती है। चलो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 19 अगस्त और अभी रोहित लोग पहुंचने वाले हैं, शाम के 5 बज गए। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुले आप सभी को मेरा। तो होप आप सब कुछ एकदम बढ़िया होंगे, अमन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो दिन से तो कुछ ऐसा खास रूटीन था, डेली वही सुबह की तरह नाश्ता करो, रूम पे आके बैठ जाओ। गर्मी की वजह से तो मैम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया था मैंने, रेशमा मैम के साथ, और अभी थोड़ी देर में उनके साथ मार्केट जाऊंगी। रोहित लोग भी पहुंचने वाले हैं तो हम बनाते हैं रोहित के लिए काढ़ा बनवाते हैं और बाकी बाकी ग्रुप मेंबर्स के लिए चाय बनवाते हैं। तो चलो, मैंने राखी का पार्सल पैक किया था बट क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में मशीन खराब हो गई है तो इसलिए देखते हुए मुझे पार्सल क्या करना पड़ेगा। चाय संदीप ले जाओ, मैं बनाने ये पहुंच भी गए, हालत देखना बहुत खराब है। चिले चिले चिले, आपने मुंह क्यों कवर किया है, सर्दी जुकाम फैल जाएगा। सब बीमार है, हे भगवान क्या खाया, सब बीमार हो क्या, रखे वापिस। कैसा रहा, बस ठीक, बैठो चाय पीने, यानी भी नहीं कल पिएगा, ठीक है मिलेगा। ये आके फ्रेश हुए, नहाए हैं अभी अभी, मैंने इनकी थोड़ा बहुत सर की मालिश करी है पर ये फिर थोड़ा गरम गरम होने लग गए हैं क्योंकि थोड़ा रात को ठंडा जैसा हो जाता है ना। और अभी ये पुराने व्लॉग देख रहे हैं जो उन्होंने देखा नहीं है, कितना प्यारे। सबसे बड़ा फैन तो मैं हूं। हाँ सही में मुझे तो अब पता चलता है जब ये आके व्लॉग देखते हैं कभी कभी। पर क्या, सबसे पहले जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो सभी को पता होगा, तब तो मैंने रिवील भी नहीं किया था कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तो इन्होंने मुझे फोन दिया था क्योंकि मेरे पास पहले था कौन सा फोन था, मेरे पास सैमसंग, कौन सा फोन था मेरे पास, मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे पास कौन सा फोन था, पर इन्होंने मुझे दिया था सैमसंग गैलेक्सी M51 जिसमें मैंने अपने पूरा 2 साल व्लॉगिंग करी, 1.5-2 साल। और उसके बाद फिर शादी के बाद मैंने अपने के लिए लिया iPhone 13 Pro जो कि मैंने यहीं ले में आके लिया था, मतलब इनके जो ग्रुप मेंबर है उनसे मंगाया था, अनुपम भैया से। तो तब से मैं इसी से व्लॉगिंग करती हूँ। तो मेरी जो मुझे जो वो बोलते हैं ना कि वो कहाँ से मिलता है, तो ये है मेरे बैकबोन जिसको बोलते हैं। पापा जी का फोन आ रहा है, पापा जी पापा जी पापा जी। हेलो, हाँ जी प्रणाम। अच्छा ससुर जी का फोन है। हाँ बढ़िया, क्या कर रहे हो? बढ़िया यार, और स्वास्थ्य कैसा है? आंखें क्या झूम रही हैं इनकी। ठीक है, नहाया अभी, मैं आके तो नहाया फिर। अच्छा अभी लेटा लेटा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई मुझे कमेंट करके ऐसी बुलाई, मैंने कमेंट देखा कि अपनी सासू माता से तो मिलाओ, तो जब घर जाएंगे तब मिलाएंगे सासू माता से। और बहुत जल्दी हम घर जाएंगे भीमताल, फिर अरगंडाई दोनों घर जाएंगे। कैसे हंस रहे हैं ये, हमेशा अरगंडाई अरगंडाई बोलती है। अभी जाएंगे ना, फिर सब जगह जाएंगे, अभी तो मेरे बहुत सारे प्लान है बस। हमेशा अरगंडाई अरगंडाई बोलती है, लड़कियां तो अपना ही घर बोलती है ना, मायके को। ससुराल वालों को ये बड़ी दिक्कत है, साला मायके की बोलती है लड़की, है ना। होता है सबके साथ, होता है एक टाइम के बाद सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, पर स्टार्टिंग में सबके साथ सेम होता है। जैसे जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि मुझे घर जाना है घर जाना है घर जाना है, तो ऐसी लड़कियों को भी होता है। लड़कियां बहुत टाइम तक तो एडजस्ट ही नहीं कर पाती है कि ओह ससुराल वाला घर है, क्योंकि अब जैसे कभी कभी मैं यहाँ दूर रहती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि घर जाना है, तो मुझे सीधा अपने मम्मी पापा का चेहरा दिमाग में आता है, अपना घर जो मायका वाला है वो याद आता है। तो
तो सारी सिचुएशन सारी लड़कियों के साथ सेम होती है, जब उनको बोला जाए घर जाना है, पर अब जब शादी हो जाती है तो फिर थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है वहाँ से चीज़ें कि घर जाना है, अच्छा यहाँ जाना था अब यहाँ जाना है, पहले यहाँ जाना है फिर यहाँ जाना है, सबके साथ होता है। बताना अपना अपना एक्सपीरियंस कैसा होता है लड़कियों के साथ, आप लोगों को क्या फील होता है, मतलब मुझे तो ये लगता है मैंने जितनों से सुना है सबके साथ ही सेम फीलिंग होती है, और जिनकी शादियां नहीं हुई है बेटे शादी के बाद पता चलेगा। तो अभी हम लोग डिनर करके आ गए हैं सबके साथ, और मैंने इनको देखो कैसे पैक कर रखा है, और इसने मुझे हिजाब वाला बना दिया पूरा, मतलब क्या है हिजाब, हिजाब मत बोला करो, हिजाब बोला दिया मैंने को, नेकी इनके ना वो लगाई थी, विक्स लगाई थी और सर पे भी थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इनको अभी ठंडे से पैक कर रखा है, क्योंकि अभी तो ये सोएंगे नहीं इतनी जल्दी, इनको नींद आएगी नहीं, ऐसा लग रहा है भौ की तरह, छोटे छोटे बच्चों को नहीं करते स्कूल ले जाते थे तब बच्चों को ना, और मैंने भगवान जी का टीका भी लगा दिया अब इनको, सोच रही होगी ना नजर लग गई होगी करके, ऐसी करती है ये, इसने मेरी मालिश वालिश करी, मैंने मस्त नहाया उसके बाद आके, क्योंकि पसीना पसीना हो गया था ना फीवर से बुखार से, तो फिर भाई गंदा हाल, मैं अवॉइड करता हूँ दवाइयाँ, मतलब कम से कम दवाइयाँ लेता हूँ, क्योंकि दवाइयाँ एकदम आपको किसी भी कोई भी कुछ ऐसे बुखार खांसी होती है तो उसको दबाना नहीं चाहिए, आने दो बॉडी कब तक सहन कर रही है वो करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और अभी इनके मुँह में अदरक पका के और उसके साथ नमक पका के और अभी उसमें किसमें, आप लोग मजाक मत बनाना, शहद में कैसा डिप करके खा रहे हैं, मैंने इसको बोला भी मत बनाना वीडियो इसमें, ये क्या है पता नहीं, अरे तो क्या वो सेफ्टी है, वो यू नो पत्नी का दुपट्टा आशीर्वाद होता है भगवान का कुछ भी बोलते रहती है, चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, आप लोग भी ध्यान रखो। कल अब इनकी हालत बताते हैं, आज तो रेस्ट करेंगे क्योंकि दो तीन दिन से सोए नहीं है, वही तबीयत खराब की वजह से, तो आज रेस्ट मिल जाएगा इनको होपफुली यहाँ पे, क्योंकि नहा के भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता ना इंसान। तो चलिए फिर आज हम यहीं पे एंड करते हैं इस बात को, आजकल ये दादी बहुत वायरल हो रही है ना, चलो भाई टाटा बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ऐसा बोलो, मैं जल्दी अच्छे अच्छे मिलूंगा, जल्दी मिलेंगे और फिर घर जाएंगे उत्तराखंड वापसी ये मुझे लग रहा है उत्तराखंड के चक्कर में बीमार हो गए कि फटाफट घर भाग जाता पर अभी हम लोग का एक टूर बाकी है इनका, तो कल मैम लोग आने वाले हैं, तो फिर देखते हैं तबीयत ठीक रही तो अच्छे से, है ना, चलो फिर बाय, गुड नाइट, टेक केयर।